हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद ग्रीन। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू मोन्स्टेरा प्लांट। मोन्स्टेरा प्लांट एक बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये हमारे गार्डन को, हमारे घर को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हटके लुक देता है, क्योंकि इसकी जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं वो इनमें जो एक कटिंग्स होती हैं ये अलग ही दिखती हैं, बिल्कुल अलग ही हटके लुक देती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोग मोन्स्टेरा की जगह मनी प्लांट ले आते हैं, मनी प्लांट को मोन्स्टेरा समझ के, क्योंकि मोन्स्टेरा जब छोटा होता है तो वो मनी प्लांट की तरह ही दिखता है। इसीलिए कुछ लोग गलती से मनी प्लांट ले आते हैं और फिर बाद में जब वो मनी प्लांट बड़ा हो जाता है उसमें ऐसी कटिंग नहीं आती, तो फिर वो उनको बाद में पता चलता है कि ये मनी प्लांट है, मोन्स्टेरा नहीं है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि मनी प्लांट जो है और मोन्स्टेरा जो है उसमें क्या डिफरेंस है। मोन्स्टेरा की जब लीव्स छोटी होती हैं तो वो कैसी दिखती हैं और उनमें जब कटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है तब वो कैसी दिखती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको मोन्स्टेरा की लीव्स कटिंग और विदाउट कटिंग वाली। बट उससे पहले फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि इसकी लीव्स में कटिंग क्यों होती है। ये नेचुरली है, बट इसकी लीव्स में कटिंग इसलिए होती है क्योंकि ये एक रेन फॉरेस्ट प्लांट है और रेन फॉरेस्ट में बारिश तेज़ी से पड़ती है। बारिश का पानी तेज़ी से पड़ने की वजह से इसकी लीव्स डैमेज ना हो, इसीलिए इसमें कटिंग्स होती हैं, क्योंकि बारिश का पानी इसकी कटिंग्स में से पास हो जाता है। तेज़ हवाएं जो चलती हैं वो इसकी लीव्स में से पास हो जाती हैं, इसीलिए इसमें कटिंग्स होती हैं। और इसकी कटिंग्स ही फ्रेंड्स अलग लुक देती है इस प्लांट को। इसकी लीव्स जो इतनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं ये अलग लुक देती हैं इस प्लांट को। और फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि मनी प्लांट और मोन्स्टेरा में क्या डिफरेंस है, इनकी लीव्स को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो हम आपको दिखाएंगे। कि जब ये विदाउट कटिंग होता है, मतलब जब ये छोटा होता है, इसमें कटिंग्स नहीं होती, तब ये कैसा दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा दिखता है जब ये छोटा होता है। देखिए, ये मेरी लीव जो है इसमें अभी कटिंग्स आने वाली हैं, इसमें लाइनिंग पड़ चुकी है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है जब ये छोटा होता है। तो इसी चीज़ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मनी प्लांट है या मोन्स्टेरा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी कटिंग आ रही है, ये भी मेरी छोटी सी लीव है जिसमें अभी कटिंग आ रही है, इसमें भी धीरे धीरे ज़्यादा कटिंग्स आने लग जाएगी और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे दिखते हैं जब ये छोटे होते हैं। तो इसी चीज़ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोन्स्टेरा क्या मनी प्लांट है या मनी प्लांट की तरह, क्योंकि दिखता है ये जब छोटा होता है। तो कुछ लोग मोन्स्टेरा को ले आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो मनी प्लांट निकला। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। और फ्रेंड्स, इनकी लीव्स कुछ ऐसी पीली पड़ जाती हैं क्योंकि इनमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, इस वजह से कुछ ऐसी पीली पड़ जाती है। और पीली पड़ने के बाद ये धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, टूट के नीचे गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग किसी प्लांट में ना करें, क्योंकि कुछ कुछ लोग अपने पॉट में नीचे होल नहीं करते और वो वाटर वहीं पे स्टे कर जाता है और वो नीचे धीरे धीरे प्लांट की रूट्स और फिर धीरे धीरे प्लांट्स की लीव को भी डैमेज कर जाता है। धीरे धीरे पूरा प्लांट हमारा पीला पड़ने लग जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी सॉइल की, वेल ड्रेन सॉइल इसमें यूज़ होती है। एक हिस्सा इसकी सैंड
एक हिस्सा इसके नॉर्मल हमारे गार्डन सॉइल और एक हिस्सा मैन्योर आप इसमें डालिए। और फ्रेंड्स वाटरिंग के टाइम पे आप एक बार ही इसको अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए ताकि ओवर वाटरिंग ना हो। और जब आपका प्लांट सूखने लगे, मतलब आपके प्लांट की जो सैंड है उसको हाथ में लेके देखिए, अगर वो ऊपर से हल्की सी सूखी है तभी आप इसमें वाटरिंग करें। और इसकी मॉइस्टिक जो होती है, इस मॉइस्टिक में आप पानी डालिए ताकि आपके प्लांट को जब भी वाटर की नीड हो तो वो मॉइस्टिक से मॉइस्चर ले सके। क्योंकि इसकी जो टहनी होती है प्लांट की, इसमें रूट्स निकल रही होती हैं, वो रूट्स मॉइस्टिक के अंदर चली जाती हैं और वहाँ से वो मॉइस्चर कैच करती हैं। और फ्रेंड्स आप इस प्लांट को किसी स्टिक या किसी मॉइस्टिक के सहारे ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस प्लांट को सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने फ्रेंड्स इसको मॉइस्टिक के सहारे लगा रखा है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे आप भी मॉइस्टिक लगाएं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, 30-40 रुपीज़ की मॉइस्टिक आपको नर्सरी में मिल जाएगी और आपका प्लांट इसके सहारे अच्छा ग्रो करेगा। और इसकी सैंड में आप एक बार हाथ लगा के, मतलब इसकी सैंड को हाथ में लेके चेक ज़रूर करें, अगर वो ऊपर से सूखी है जैसे ये आपको दिख रही है, ऐसी आपको अगर ऐसी सैंड सूखी दिखती है तब आप इसमें वाटरिंग करें, अदरवाइज़ आप ना करें, क्योंकि यह प्लांट ज़्यादा वाटर नहीं मांगता, मॉइस्चर मांगता है थोड़ा बहुत। आप किसी स्प्रेयर के थ्रू, जैसा मेरे पास ये दिख रहा है आपको, इस ऐसे ही किसी स्प्रेयर के थ्रू आप इसको स्प्रे करें, इसकी लीव्स पे, इसकी मॉइस्टिक वगैरह सारी जगह पे आप ऐसे स्प्रे करें ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। क्योंकि समर्स के टाइम पे इसमें इसको मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसकी लीव्स बहुत जल्दी पीली पड़ जाती हैं समर्स के टाइम पे। और आपको दिख भी रहा होगा फ्रेंड्स, मेरी भी प्लांट की लीव की कॉर्नर वाली साइड हल्की हल्की ब्राउन पड़ चुकी है, ब्राउन पड़ने लग गई है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप इस पे डेली समर्स में स्प्रे करें, इसकी मॉइस्टिक पे करें ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और आपके प्लांट की लीव्स पीली ना पड़े। और फ्रेंड्स आप इस स्प्रेयर को मार्केट से बाय कर सकते हैं, बट मेरे पास तो मेरे मिरर क्लीनर के खाली बॉटल थी, उसका यूज़ करा है। आप भी अपने घर में कोई मिरर क्लीनर की खाली बॉटल या कोई स्प्रेयर हो उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको मार्केट से ही बाय कर सकते हैं। 100-100 अराउंड इसका प्राइस है, आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगी, नर्सरी पे मिल जाएगी। और बात करें फ्रेंड्स इसकी सनलाइट वगैरह की, तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट पे रखने से आपकी लीव्स जो हैं प्लांट की वो जल जाएंगी, धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसको आप डायरेक्ट सनलाइट पे ना रखें, नॉर्मल सनलाइट पे रखें, या आप किसी ग्रीन नेट जो होती है गार्डन की उसके नीचे रखें, या नॉर्मल रोशनी में रखें, जो बालकनी में रख लीजिए आप, वहाँ पे नॉर्मल रोशनी आएगी वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाएगा। बट इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़ेगी और ये ख़राब हो जाएगा।
जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी लीव जो है इस पे डायरेक्ट सनलाइट लगने की वजह से ये छोटी रह गई और ब्राउन हो गई है, जल चुकी है। इसकी कॉर्नर्स जो हैं वो जल गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे ना रखें, नॉर्मल इसको रोशनी में रखें। अंधेरे में अगर आप इसको इंडोर में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको नॉर्मल सनलाइट में रखें, जैसे मेरे यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल रोशनी आ रही है, बट मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा हुआ। तो आप इसको ऐसी अपनी किसी बालकोनी या किसी गार्डन की जो नेट होती है उसके नीचे रखिए। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा प्लांट है ये, कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।